दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो टेंथ वालों के लिए है, मतलब जो टेंथ का ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, स्पेशली ये ट्वेल्थ वाले भी देख सकते हैं। टेंथ के स्टूडेंट रिजल्ट से क्यों डर रहे हो, डरो मत। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो इस वीडियो के पीछे एक ही मकसद है कि जो टेंथ के स्टूडेंट्स हैं वो इस समय बहुत ही डर रहे हैं। किस चीज़ों को लेके डर रहे हैं कि मैं लगातार कमेंट देख रहा हूँ कुछ बच्चों का, सर मैंने लास्ट वाले पेज पे मेरा क्वेश्चन लिख दिया, सर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया, सर मैंने जब आंसर लिखा तो मैंने उसको बॉक्स नहीं बनाया, सर मैंने मैप में ना इंडेक्स नहीं लिखा। तो दोस्तों जो भी आपने दे दिया वो एक एग्ज़ाम जो भी आपका है वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, समझ में आया। अगर एक आध मार्क्स कम हो गए ज़्यादा हो गए, वैसे आपने अगर पीछे लिख दिया यहाँ लिख दिया तो बहुत टाइम पे आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। हाँ, तो उसका आपको कुछ भी डरना नहीं है, बस अभी आप रिलैक्स रहो, जब रिजल्ट आएगा तो देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने सच में आपने दिल से मेहनत की है और दिल से आपके दिल में हमेशा प्यार है, अगर आपने जो मेहनत किया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पे हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक भी छोटा मोटा किया होगा वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल सकता है, बस भरोसा रखो। तो डरोगे जितना आपके डरने से क्या आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा, क्या आपके डरने से वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा, क्या आपके डरने से उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो डर क्यों रहे हो, जब रिजल्ट आएगा कभी कभार इसमें कम होता है कभी इसमें ज़्यादा होता है। देखो किसमें अभी आप सोचोगे ना मेरा खराब पेपर गया शायद उसमें भी ज़्यादा मार्क्स आ जाए, वो चेक पेपर चेकर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पेपर चेकर जो रहेंगे वो अगर आपने सब सिस्टमेटिक लिखा है एक आध में थोड़ा बहुत किया है तो मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और पूरे टेंशन फ्री रहो, जस्ट वेकेशन इंजॉय करो और थोड़ा बहुत स्टडी करो इलेवेंथ का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और जय हिंद दोस्तों।